35 लाख। 35 लाख आपके? 11 लाख। 11 लाख आपके? 4 लाख। 4 लाख और आपके? 18 लाख। आपके? 45 लाख। आपके? 25 लाख। देखिए 25, 30, 45, 15, 11 तमाम चार ये इतने लाखों में है मूल, मतलब करोड़ों जा रहा है। 9 करोड़ का टोटल मामला बताया जा रहा है। 9 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। इस समय हम डीएम कैंप ऑफिस में खड़े हुए हैं। तमाम लोग आपको दिख रहे हैं जो चेहरे, ये पीड़ित हैं। बताया जा रहा है कि इनके द्वारा बताया गया है कि हमें मोटा मोटा अभी की पैसे मारे हैं। कोई कंपनी है विजन, विजन है, थोड़ा बताएंगे अपने क्या उसके बारे में पूरा बताइए। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह बरगली है सर। राजेंद्र बताइए क्या मामला है पूरा? सर मामला ये है कि एक कंपनी खोली, सोसाइटी खोली थी। हाँ। जिसके डायरेक्टर हल्द्वानी के हैं सर, लोकल के हैं सर। ये नाम अरविंद पंत, संतोष पंत, आनंद मेहरा, तीन जो इसके डायरेक्टर हैं सर। तो ये लोग क्या पैसे नहीं दे रहे हैं क्या है? नहीं सर, ये नहीं दे रहे हैं। पहले घरों में आके इन्होंने हमसे खाते खुलवाए, लालच दिया इन तुम्हें पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके, अब इन्होंने 2021 में बंद कर दिया। क्या कहने चाह रहे हैं सर? इन्होंने हम लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है, धोखाधड़ी हो रखी है हमारे साथ। पैसे जमा कर रखे हैं, अब पैसे देने से मना कर रहे हैं। कितना पैसा जमा किया है आपने? 18 लाख। 18 लाख आपने ही जमा किया है? हाँ जी, मेरा तो 45 लाख। आपका 45 लाख? 25 लाख मेरा सर। 25 लाख आपका है? हाँ सर। वापस नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे सर। आपका? मेरा 4 लाख में सर। 4 लाख आपका भी है? क्या कह रहा है वो सर? वही है सर, थोड़ा बताइए आप। मेरा नाम पुष्पा विष्ट सर, मेरे 11 लाख है। 11 लाख हाँ सर। पहले हमारे घर आए, हमको बहलापुरा से कहा कि आईडी करो, ये करो, एफडी करो, एमएस करो। 5 साल पूरे हुए तो सर थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि हमें किस तरह फंसाया गया, आप बता सकते हैं? आप में से कोई जो पूरा थोड़ा सा आप भी बताइए क्या पीड़ित? हरिचरण बधानी। हाँ बधानी जी। जी जी, ये बताया कि उन्होंने एक स्कीम बताई कि सोसाइटी में कि लोन मिल भी आपको मिलेगा और महिलाओं को अच्छा प्रोत्साहन दिया जाएगा और कि आरडी और एफडी कीजिए। 2014 से कंपनी काम कर रही है यहाँ पर हल्द्वानी के क्षेत्र में और लोकल है, हेड ऑफिस हल्द्वानी है इसका। जो इसके सीएमओ और डायरेक्टर हैं वो अरविंद पंत जी, सहायक डायरेक्टर जो इसमें है संतोष पंत है और उस सहायक सुपर डायरेक्टर इसमें है क्या कहते हैं आनंद मेहरा इसमें, और इन्वॉल्व जो इनके डायरेक्टर की बहन भी है प्रीति जोशी भी है शेयर होल्डर में, और योगेश कांडपाल भी है और दिनेश गोनिया भी है, और जिसकी मैंने इसकी 2022 में 29 जुलाई को अफेयर काटी हुई है। एक साल हो गया अभी इसमें कार्रवाई चल रही कह रहे हैं विवाह प्रशासन हमसे कह रहा है कार्रवाई चल रही है, ना इनको अरेस्ट किया जा रहा है ना हमारे पास कोई सूचना दी जा रही है। सर इसमें प्रशासन की तरफ से बहुत लापरवाही की जा रही है। आप लोगों ने रिमाइंडर या कुछ प्रोसेस करी इस बारे में? कोतवाली बहुत बार बताओ क्या क्या करा कोतवाली में, गए कहाँ दिया तो हमसे 50 तक हम जाते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं कि इसमें जांच चल रही है, जांच चल रही है, एक साल हो गया साहब जांच चल रही है अभी। कौन है इसमें मुख्य व्यक्ति किया जा रहा है? कौन है इसमें मुख्य व्यक्ति? अरविंद पंत। कौन है ये अरविंद पंत? ब्रांच कंपनी का सीईओ है। कहाँ रहता है? ये रहते हैं सोचा कॉलोनी बिठो नंबर 1 हल्द्वानी। हल्द्वानी रहते हैं। क्या कह रहे हैं आप लोगों ने कोई जवाब किया नहीं? कहते हैं कि वर्तमान हमको मिलता नहीं है, गायब है, मैंने कहा है इनसे बारी वार्तालाप में हो रही है, और इनकी पिताजी कहते हैं कि इनकी कंपनी आती जाती है और घर जाते हैं धमकी मिलती है हमको। देखिए इनका कहना है कि वो पल्ला झाड़ रहा है, तमाम लोग उपस्थित हैं, अभी तमाम लोग चले गए, बहुत देर से बैठे थे, घंटों इंतजार कर रहे थे डीएम, क्योंकि 9 बजे से आए हुए हैं क्योंकि डीएम की भी मीटिंग चल रही थी, तो इसलिए लिहाजा लोगों की भी शायद मुलाकात नहीं पाई है। पीड़ित लोग हैं, काफी टाइम से आ रहे हैं सर, कितनी बार हमने चक्कर लगा दिया, एक साल से आ रहे हैं लगातार, इनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। आपके कितने? 11 लाख? नहीं, हमारे साहब 35 लाख। 35 लाख आपके? 11 लाख। 11 लाख आपके? 4 लाख। 4 लाख और आपके? 18 लाख। आपके? 45 लाख। आपके? 25 लाख। देखिए 25, 30, 45, 15, 11 तमाम चार ये इतने लाखों में है मूल, मतलब करोड़ों जा रहा है। 9 करोड़ का टोटल मामला बताया जा रहा है। 9 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। तो इन लोग, ये लोग पीड़ित हैं, तमाम परेशान हैं, इनको रात दिन नींद नहीं आती, जैसा कि इन्होंने हमको बताया था अभी, तमाम चीजें हैं। तो इन लोगों की मांग है कि सरकार कार्रवाई करे। मैं कुछ क्रेडिट कंपनियां खुली थी, वैसे 2-3 साल हो गए, 4 साल, कई लोगों के पैसे मर गए, तमाम लोग बीच बीच में शायद आपके दरबार में भी आ रहे होंगे, तो उनपे कार्रवाई को कह रहे कि कई साल हो गए मैडम से। इसमें ये एक गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन भी आया था, जो इस तरह के पैसे वगैरह जमा हुए हैं उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए ये केसेस सभी जनपदों में आने शुरू हो गए हैं और इनको रजिस्टर भी
हम लोग कर रहे हैं, जो उसमें गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है भारत सरकार का, उसके क्रम में फिर राज्य सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किए हैं उनमें जो निर्देश दिए गए हैं उनका हम पालन करवाएंगे और सभी ऐसे केसेस हैं उनको केस टू केस बेसिस पर टेकअप करा जाएगा। लागू करो, भ्रष्टाचारियों को फांसी दो।